नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज एक नया विषय है, नपुंसकता के लिए कौन से योगासन बहुत उपयुक्त है, योगा फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन हिंदी। तो चलो चालू करते हैं नपुंसकता या ईडी के बारे में कुछ चर्चा। ये देखिए, नपुंसकता के जो कारण होते हैं वो ज्यादातर मानसिक ही होते हैं। ध्यान से सुनिए, ज्यादा कारण कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना। हम ऐसे बोलते हैं कि सेक्स डजंट लाइज इन द थाइज, इट लाइज इन द टू ईयर्स, है ना। तो लेकिन कभी कभार कुछ ऑर्गेनिक मतलब शारीरिक भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है आपको तो नपुंसकता आ सकती है। हार्ट डिसीजेस के प्रॉब्लम में भी कुछ शिकायत, ब्लड फ्लो कम हो जाता है ना, जिसका हम बोलते हैं ना इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसका कम है, वीक हार्ट हो गया है, उनको ये शिकायत आ सकती है। जिनको उच्च रक्तदाब की शिकायत है उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, क्योंकि उसमें निकोटीन रहता है और निकोटीन का कार्य क्या होता है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये नस को दबा देता है और जो उधर का रक्त प्रवाह है हमारे अवयव का, पुरुष अवयव में, वो कम हो जाता है और इसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत आ जाती है। तो बहुत सारे लोग ये टैबलेट जो है ना वियाग्रा, इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं है, ये तो ठीक टैबलेट है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बिल्कुल गलत टैबलेट, ये मॉडर्न मेडिसिन की टैबलेट है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। हाँ, जिसको बोलते हैं ना कि परमानेंट नहीं है, क्या कुछ एक दो बार अपने इस्तेमाल कर दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल लगातार कुछ महीनों कुछ सालों तक ये बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कि क्योंकि नपुंसकता के उपचार के लिए बाजार में आज बहुत सारी दवाइयां मौजूद है, जैसे कि वियाग्रा, फिर उस सब दवाओं को जो एलोपैथिक दवा है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, दुष्परिणाम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, पेशेंट को जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लोग ये लेते हैं 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, तो उसके उपयोग से बहुत लोगों को हेडेक हो जाता है, सिर दर्द, कई लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां होती है, जैसे कि मान लो कि पेट में जलन होती है, गैस्ट्राइटिस, कई लोगों को डायरिया, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, और कई लोगों को इतनी हीट बढ़ जाती है कि फ्लशिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए कि नपुंसकता के लड़ने के लिए एकमात्र इलाज है कि ये व्याघ्र नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये एकमात्र विकल्प नहीं है, ये ध्यान से सुनिए। तो नपुंसकता से छुटकारा पाने के लिए आप दो चीजें ध्यान में रखिए, आप तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, व्यायाम तो करना पड़ेगा, फिटनेस तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिटनेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में जो रक्त का संचारण है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और जो पुरुष का अवयव है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है उसमें वो शिकायत दूर होने में फायदा हो जाएगा। और योग ये अच्छा विकल्प है। सिगरेट और शराब पीने से आपको ये उच्च रक्तचाप, हाई बीपी हो जाता है, उच्च कोलेस्टेरॉल, मतलब कोलेस्टेरॉल जो लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं, कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बैड कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, जिसको एलडीएल वीएलडीएल कहते हैं। कई लोगों को हृदय रोग हो जाते हैं, जैसे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कई लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है। तो यह है ना कि योग करने से जैसे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फायदा मिलेगा, तो ये भी बीमारियां जो है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, इनमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल में आ जाएंगे। और जब ये डिसीजेस कंट्रोल में आ जाएंगे, ये शिकायत कंट्रोल में आ जाएगी, तो अपने आप ये धमनियां, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, रक्त प्रवाह में जो नुकसान पहुंचता है ये बीमारियों से, वो टल जाएगा। अभी नुकसान नहीं हो जाएगा क्योंकि आप योग कर रहे हैं, तो योग से ये क्या हो जाएगा, आपका बीपी कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है, हार्ट की बीमारियां कंट्रोल में है, डायबिटीज कंट्रोल में है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता रक्त प्रवाह से नुकसान होने का, तो आपका नपुंसकता कारण बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आसन कौन से करेंगे आप? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन ये पेल्विक मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। जो लंबे समय तक बैठने रहने से तनावग्रस्त हो जाते हैं, ये जो मांसपेशी है ना हमारी, पेल्विक मसल्स, वो स्टीफ हो जाते हैं जब हम ज्यादा टाइम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, बहुत लोगों का आईटी का, आईटी वाले लोगों को ये ईडी की शिकायत ज्यादा होती है, तो दिन भर 8 7 8 8 घंटे बैठते रहते हैं वो कंप्यूटर के सामने, है ना, तो उससे ये क्या जाता है, स्टीफ हो जाती है मांसपेशियां। साथ ही साथ ये आसन जो है ना, पश्चिमोत्तानासन, रक्त प्रवाह को बेहतर करने में मदद करता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का अच्छा हो जाएगा, पेनिस का अच्छा हो जाएगा, और
पश्चिमोत्तानासनी जो आसन है योगा का, आपको शांत करने और हल्के अवसाद से राहत देने का भी काम करता है। तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू ट्रैंक्विल योर माइंड, शांत करने का, मन शांत करना है, और जो आपको डिप्रेशन है वो भी चला जाएगा जब आप पश्चिमोत्तानासन करते रहेंगे। पश्चिमोत्तानासन के द्वारा मेरुदंड जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी लचीला, फ्लेक्सिबल और मजबूत बनता है। हाँ, बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति तनकर चलता है और उसकी रीढ़ की हड्डी झुकती नहीं है। ये मेरुदंड के सभी विकार, ये पश्चिमोत्तानासन ईडी के लिए तो फायदेशीर है ही है। फिलहाल आपका पेट दर्द कम करेगी, कमर दर्द से राहत मिल जाएगी। पश्चिमोत्तानासन करने से शरीर की चर्बी, फैट जो है वह कम होकर मोटापा दूर होता है, ओबेसिटी कम हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, और आपका अपने आप मधुमेह, डायबिटीज रोग भी ठीक ठाक हो जाएगा। ये पश्चिमोत्तानासन अपने खुद के क्षमता के अनुसार 30 to 60 सेकंड के लिए करना चाहिए। ये देखिए, स्टेप 1 ऑफ पश्चिमोत्तानासन, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, यहां तक जितना हो सकता है उतना करना है, आपका सांस रोकना नहीं है वहां पर, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अगला आसन है योगासन का जो ईडी में काम करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, वो है उत्तानासन। उत्तानासन जो है ना, इतना कॉमन आसन है कि कई योग रूटीनों में, मतलब रूटीन जो है योगा एक्सरसाइज होते हैं उनमें ये उत्तानासन बिल्कुल हर हर व्यक्ति करती है। ये क्या है, ये तीव्र स्ट्रेच, मतलब उत्तानासन में क्या करते हैं हम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसके तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। जो भी हमारा स्ट्रेस है, फिजिकल एंड मेंटल, वो दूर हो जाएगा क्योंकि इट इज स्ट्रेच हो जाता है पूरे शरीर का अपर हिस्सा जो है। इस आसन के नियमित अभ्यास से, उत्तानासन आप रेगुलर तरीके से करते रहेंगे 10 बार 15 बार, तो मोटापा कम हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगी, शरीर की अतिरिक्त चर्बी दूर हो जाती है, फैट विल गो, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, है ना। इससे डायबिटीज के मरीजों को भी लाभ मिलता है। उत्तानासन करने से पाचन संबंधी रोग दूर होने से शरीर स्फूर्ति और मन प्रफुल्लित रहता है। ये आसन भी आप खुद के अनुसार 30 to 40 सेकंड तक कर सकते हैं एक बार, ऐसे 5-10 साइकिल आप कर सकते हैं। ये देखिए उत्तानासन में कैसे हम स्ट्रेच करते हैं पूरे के पूरे, हाँ, ये हेड से टो लेकर पूरा शरीर तान दिया जाता है, तो अपनी आप जो ऑब्स्ट्रक्शन से कहां पर भी बॉडी में, कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में, वो चली जाती है, और इसका यह जो पोर्शन है ना, उधर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला आसन है थर्ड आसन, बद्धकोनासन। बद्धकोनासन जो है वो मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, गुर्दे मतलब एनोरेक्टल रीजन, और पेट के अंगों के साथ, मतलब हमारे आंत्र जो है इंटेस्टाइन, उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि को भी उत्तेजित करता है। जिन लोगों को, जिसको बोलते हैं ना बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ये शिकायत जिनको है इनको भी ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, बद्धकोनासन करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन से राहत पाने में काफी मदद मिलती है। ये जो बद्धकोनासन है, ये आसन भी आपके खुद के क्षमता के अनुसार 30 to 60 सेकंड तक करना चाहिए। ये देखिए, बद्धकोनासन के लिए इस व्यक्ति ने ये रोप का इस्तेमाल किया है। ये जब रोप लगाते हैं उसको प्रॉप बोलते हैं, PROP। योगासन करते समय जिन व्यक्ति का शरीर जो है ना, वो क्या बोलते हैं ना, अखड़ापन जैसे होता है, स्टीफ रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, उन्होंने योग तज्ञ के द्वारा ये प्रॉप्स का यूज कैसा करना है ये सीख कर अपने अपने घरों में ये रोप वगैरह लाकर प्रॉप के द्वारा या बद्धकोनासन भी कर सकेंगे। अगला फोर्थ आसन है ईडी के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, नपुंसकता के लिए, जानु शीर्षासन। ये देखिए, जानु का अर्थ है घुटना, नी जॉइंट बोलते हैं ना, और शीर्ष का अर्थ होता है सिर, हमारा हेड जो है, तो जानु और शीर्ष ये दोनों शब्दों के मेल से बनता है जानु शीर्षासन। आसन मतलब पोश्चर, योगा पोश्चर। इसको करते समय आपका सिर आपके घुटने को स्पर्श करता है, इसलिए इस आसन को जानु शीर्ष आसन कहा जाता है। ये मेरा कर्सर आप फॉलो कीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा दिखाने से क्या फायदा है, आपको तो जो मैटर है वो समझ में आना चाहिए, कंटेंट समझ में आना चाहिए। इसी मैंने एक ठहराव किया है कि अभी हम मेरे चेहरे के बजाय मैटर के ऊपर ध्यान दे ज्यादा। ये आसन जो है खास तौर से
खाली पेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको करने से आपके पेट पर बहुत दबाव पड़ता है। मैं तो बोलूंगा कि सिर्फ ये आसन नहीं, कौन सी भी योगासन करते समय वो खाली पेट करने से अच्छा रहेगा। खाना खाने के बाद कौन सा भी एक्सरसाइज और योगासन नहीं करने चाहिए। ये जानु शीर्षासन आपके लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी विल इंप्रूव। खासकर जो कौन सी मसल्स काम करेंगे, हैमस्ट्रिंग्स, पीठ के जो स्नायु हैं, जांघों की जो एरिया है, और कुल्हों की मांसपेशियों में लचीलेपन आ जाएगा, तो इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत कम हो जाएगी। ये देखिए, जानु शीर्षासन करते समय ऐसे बैठना है, हाथ ऊपर लेना है, धीरे से बेंड करना है, और अपना जो सिर है वो ये नी ज्वाइंट पर टिकाने की कोशिश करनी है। ऐसा बिल्कुल एक दफा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे। ये योगासन हमेशा, ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस का मामला है। जब जितना आप अभ्यास करेंगे, हर रोज थोड़ा 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जानु शीर्षासन निचले पेट और गले में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। इस कारण से या मर्दाना कमजोरी डोर करने में ये काफी मददगार होता है। शारीरिक लाभ के साथ ये तनाव कम करने में भी सहायक होता है। जानु शीर्षासन विल रिड्यूस योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। आप इस आसन को भी अपने क्षमता के अनुसार 20 to 40 सेकंड तक कर सकते हैं। पांचवा अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन को अंग्रेजी में बो पोज कहते हैं, बो। इस आसन में हाथों का उपयोग सिर, धड़ और टांगों को ऊपर खींचने के लिए प्रत्यंचा की तरह किया जाता है। शरीर को धनुष के समान मुद्रा में फैलाने और शरीर को सशक्त बनाने की इस क्रिया से तरुणाई की प्राप्ति हो जाती है। यू विल बी फील मोर यंग इफ योर बॉडी इज स्ट्रेचिंग लाइक दिस। यू विल डेफिनेटली गेट लाइक ए एंटी एजिंग प्रोसेस। आपका बुढ़ापा चला जाएगा, आप फिर एक बार तरुण बन जाएंगे और ईडी की शिकायत दूर हो जाएगी। ये धनुरासन क्या करता है, प्रजनन अंगों को उत्तेजित करने और इन अंगों में जाने वाले रक्त प्रवाह के प्रवाह में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, विल डेफिनेटली इंप्रूव एट द रिप्रोडक्टिव एरियाज ऑफ मेल एंड फीमेल। यह आपके शरीर के सामने वाली सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में भी मदद करता है, जिसके द्वारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करने से मदद मिलती है। ये आसन भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 20 to 30 सेकंड तक करना चाहिए। धनुरासन स्टेप 1, लाई डाउन ऑन द एब्डोमेन। स्टेप 2, लिफ्ट योर लेग्स। स्टेप 3, हाथ पीछे लो। और स्टेप 4, जितना हो सके ऐसे करने की कोशिश कीजिए। ये एक दफा, एक ही टाइम में आपको बिल्कुल नहीं आ जाएगा। योगा अभ्यास करने से ही उसमें स्किल आ जाता है, कौशल्य आ जाता है, उसमें मास्टरी आ जाती है। हाँ, यो योगा टीचर होना चाहिए। ये एक बार आपको समझा देता क्या है। देखिए, ये पीछे वाला जिसको डिफिकल्ट लगता है ना, उसके लिए मैं आगे चलकर दो आसन बता रहा हूं, वो बहुत आसान है। ये देखिए कौन सा है, ये शलभासन है। इसमें कुछ हाथ वगैरह ऊपर लेना नहीं है, सिर्फ आपको पैर को ऊपर लेना है। ये करने से भी ये जो एरिया है ना, जहां हमारी जननेन्द्रिय रहती है, वो एरिया भी जो मतलब स्ट्रांग हो सकती है, मसल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे या इस एरिया के। ठीक है, ये देखिए, नौकासन करने से भी ये जो एरिया है हमारी, प्रजनन स्त्री और पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत यहां से ज्यादा होती है ना। हाँ, तो मसल स्नायु इतने अच्छे नहीं रहने से के कारण होता है। तो हमें इसे क्या बनवाना है, उसको फ्लेक्सिबल बनवाना है, उसको स्ट्रांग बनवाना है, वो ब्लड सर्कुलेशन सुधारना है इस एरिया में, तो ये नौकासन भी काम करेगा। ध्यान में रखिए, योगाभ्यास करने से पहले बताए गए आसन अच्छे योग गुरु से सीख लेना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद एकेडमी से आप जरूर संपर्क कर सकते हैं किसी भी मदद के लिए, जैसे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ योगासन के डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, आपको सिखाना है, ऑनलाइन सिखाना है, पेड रहते हैं हमारे, सिर्फ कारोबार जो है ना पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं हम। ठीक है, योगाभ्यास सुबह या शाम खाली पेट करना चाहिए। याद रहे कि योगाभ्यास से आराम निरंतर अभ्यास करने के बाद ही मिलता है। जो भी फायदा मिलने वाला है वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही मिलने वाला, हफ्ते तक महीनों तक ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने पूरे स्नायु स्ट्रांग हो जाएंगे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन चला जाएगा। आसन से जोड़ों का दर्द उससे बढ़ना नहीं चाहिए, कोई
कोई भी योगासन करते समय ध्यान में रखिए कि इधर दर्द हो रहा है तो यह अच्छा नहीं है। इसके लिए अभ्यास के दौरान शरीर को सहारा देने वाली वस्तु, जिसको हमने प्रॉप्स के नाते आपको बता दिया, PROPS, प्रॉप्स, तकिया या अन्य उपकरणों की सहायता जैसे जरूरी समझे वैसे आप इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर से कौन सा भी आसन नहीं करना चाहिए। अगर दर्द बढ़ जाता है तो तुरंत योगाभ्यास बंद कर दे और चिकित्सक से परामर्श करें। योग करते समय ढीले कपड़े पहनना चाहिए। योग करने से पहले आप देख लीजिए कि आपका जो मल है ठीक से निकल रहा है या नहीं। कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन नहीं होनी चाहिए। आपकी जो टट्टी है वो नॉर्मल ही होनी चाहिए। सुबह गुड मॉर्निंग होना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट हो जाने के बाद पेशाब और टट्टी जो है वो निकलने के बाद, साफ सुथरा होने के बाद ही आप योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इफ यू हैव एनी थिंग लाइक ईडी, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, इनफर्टिलिटी, स्वप्न दोष, एनी एक्स प्रॉब्लम, तो आप पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ एजुकेशनल है। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है वो प्रेस कर दीजिए। आप सबको आपकी प्यार और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।